क्योंकि हाँ शायद मैंने ही उसकी स्टोरी डाली थी. वी आर कॉर्डियल विद ईच अदर, वी टॉक समटाइम्स. इतनी गर्मी में पहले ये बताओ तुमने ये कैसे पहना है. इतना मैं वही सोच रही हूँ, मतलब लोग मुझे बोलते हैं पर उनको बताओ ना मुंबई में कितनी गर्मी है आके. ये हुडी क्या, इसके अंदर स्वेटर भी है क्या, क्या पहना है इसने. दीदी इसको मेरे कपड़े निकाल के थोड़ा हवा आने दो, इसको देख के मुझे गर्मी लग रही है यार. जाने दो प्लीज. रिसेंटली आप बहुत नाराज हो गई थी एक जो पोस्ट था उसमें, जिस तरीके से जो ऑडियो वायरल हुआ था. सो लाइक व्हाट यू वुड लाइक टू से, लाइक पीपल हैव अ राइट्स टू वेयर एनीथिंग, पीपल हैव अ राइट. इनको जाने दो ना प्लीज प्लीज प्लीज, व्हाटएवर दे वांट टू डू. भैया एक सेकंड. हाँ रास्ता मत रोको, मैं बाहर आ जाती हूँ. यहाँ पर आ जाइए, सीढ़ी के पास आ जाइए. बस 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 बस. हाँ तो यार ऐसे मतलब मुंह पे तो ट्रोलिंग तो हर कोई करता है कैमरे मोबाइल के पीछे अपने फेक आईडीज पे, पर आई डोंट थिंक सो इट्स राइट टू से समवन ऑन देयर फेस, यू नो इट्स क्रिमिनल एक्चुअली किसी लड़की को बोलना. And what about Urfi, like that you also gave some of the answer related that if you are telling to me then you can say to your mom and sister, right? That was the statement. नहीं ये नहीं, मैंने बोला था कि मुझे मत बोलो, आप जहाँ रहते हो आप वहाँ जाके लड़कियों के कपड़े कंट्रोल करो, अपनी मम्मी के, अपनी बहन के. आई एम नॉट योर सिस्टर, आई एम नॉट योर मदर, आई एम नॉट योर वाइफ, एंड दिस इज माई मैसेज टू एवरी वन, नॉट जस्ट एनी वन हुज कमेंटिंग ऑन माई क्लोथ्स. ये मेरा सबके लिए मैसेज है, मैं किसी की बहन नहीं हूँ, माँ नहीं हूँ. अपने घर पर जाके अपनी माँ बहन को बोलो मुझे नहीं. बट यू नो उर्फी, जब हमेशा हम कुछ भी सीखते हैं तो माँ बाप तो हमेशा करेक्ट ही सिखाते हैं, वो तो कुछ गलत नहीं सिखाते. गलती तो बच्चों की होती है, तो उसमें मॉम एंड सिस्टर्स की. I said comment on your mother, comment on your sister, not me. I don't live with you. It was मैंने किसी को गाली नहीं दी थी, मैंने किसी को ये नहीं बोला तो तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं है. I said अपने घर पे जाइए, अपने घर पे जाके अपने घर के लोगों को बताइए कैसे कपड़े पहनने, मुझे नहीं. It is as simple as that. I never, मुझे क्या मतलब यार किसी के माँ बाप जैसे हो नहीं हो क्या हो, कुछ भी सिखाया हो मुझे क्या करना. नहीं बिल्कुल भी नहीं. बिग बॉस भी आ रहा है, बिग बॉस में नजर आ सकते हैं. बिग बॉस के लिए तो सभी के लाइक बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक उर्फी शुड बी देयर, लाइक यार उससे क्या होता है. बट आई हैव नॉट बीन अप्रोच्ड येट, एंड आई मीन आई कांट सी एनीथिंग एज ऑफ नाउ. यू विल गेट अप्रोच्ड, देन व्हाट विल बी द बिग धमाका. तुम्हें क्यों बताऊं, उन्हीं को बताऊंगी. वो बिग बॉस वालों को नहीं पता और इनको बता दूं, उनको डिसाइड करने दे. आने वाले दिनों में और भी कौन से नए प्रोजेक्ट्स आपके देखने मिलेंगे? माय म्यूजिक वीडियो इज कमिंग विद सारेगामा. हाय हाय ये मजबूरी. वो अदर रीमेक जीना दमान सॉन्ग, सो दैट रीमेक इज कमिंग. या साथ में फीचर्स में कौन है आपके साथ? मैं अकेले ही काफी सिंगल. सिंगल अरे आगे ये नहा धो के आए अभी फिलहाल. उर्फी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लास्ट लास्ट. आज संजीत नहीं है ना तो तुम लोग फायदा उठा रहे हो. लास्टली एनी मैसेज टू द एवरीवन, द फैंस हु आर लविंग यू सो मच, देयर आर एन नंबर ऑफ कमेंट्स ऑन ऑल द सोशल मीडिया स्पेशली. आई थिंक गर्ल्स सपोर्ट मी मोर देन यू नो गाइस. गाइस ट्राई टू लाइक स्लट शेम मी एंड गर्ल्स आर सपोर्टिंग मी, सो दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी नाइस. बाय, थैंक यू. मैं ऑन में निकाल दूं, मैं पीछे बस नहीं पे रहा, थोड़ा सा पीछे से आओ थोड़ा. जब तेरा चिप डाला ही मैं अपने कैमरे में, कुछ नहीं मुझे मुझे देख के कॉन्शियस हो गई क्या, मैनेज करना है कि ये कम पहन रही है तो मैं बिल्कुल और एक्स्ट्रा पहन के आऊंगी. यार यार मुंबई में ठंड नहीं होती है, ये हुडी पहन के आई है. चलो बाय, चलो बाय गाइस, बाय. आ जाओ दीदी, आ जाओ. अबे अबे.